हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त मजे में होंगे। हम भी अच्छे हैं, मस्त मजे में हैं। हम हो लिए हैं तैयार, मनाज डाली अपनी साड़ी, और जानू जानू का लुक आप देखो। आज नीचे इसने लोफर डाले हैं, पैंट कोट, ये इसने सूट पहन लिया है। ये ड्रेस आज इसने क्यों पहनी है? आज हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन। फैंसी तो आपने पता है लड़का की तो ऐसी ड्रेस आवे है, लड़कियां का तो फिर भी फ्रॉक क्रॉप टॉप साड़ी वगैरह जींस हो जाए है, लेकिन लड़के तो सिर्फ ऐसे जींस टो जींस और भाई ऐसे सूट वगैरह ही पहन सकते हैं। आपने भी रहे हैं, पैंट। कोट पैंट भी रखे हैं इसके पास, लेकिन वो इसने नहीं पहरे। ये बोला कि नहीं, वो मैं नहीं पहनूंगा, मैं तो ये पहनूंगा। और देखो माला पहन का कदी एक नंबर का माच रहा है वो, है ना जानू? जानू आपने दिखा होगा अपना लुक, पीछे कलर टक रहा है, देखो मेरी सींग है। आगे से दिखा इससे बनायो। नीचे से इसने घर के कपड़े डाले हैं, क्योंकि ये वैसा है ना, मतलब नेट टाइप में है तो सर्दी लग गई, आपने पता ही है सर्दियां का टाइम है। तो चलो टाइम हो रहा है, मैं भी चलूँ अपने स्कूल में, हम चलते हैं। चलो जान, सर्दियां का दिन हुआ है, छोटा 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 दिन हुआ है। जाती आज एक सलवार है वो ही सिलन पाई थी, तो पहला तो मैं आपने दिखाने लाग रही हूँ इसका पायचा। ये वाला पायचा है वो बना रखा है मैंने, बाकी इसमें एक खासियत से वो आप लोगों का गला शेयर करने लाग रही हूँ। खासियत की है, इबे भी शायद आपने दिखाई को नहीं दे रहे होगा, लेकिन उसकी खासियत यह वाली है, पॉकेट वाली। जी हाँ, आज मैंने इस सलवार में भी जेब लगा दी है, और ये वाला सूट मेरा सिलाई का है। जैती मैं आप लोग दिखाने लाग रही थी कि मैंने पॉकेट है वो लगा दी है, एक ही सलवार सी मन पाई थी, बाकी तो घर का काम भी हो जावे है। छोटा दिन हुआ है, उस टाइम भी कोनी लग गई इतना, फिर यूं ही हो जाए कि सारा काम है बराबर थी, अपने हिसाब से करना पड़े है। बाकी जेब कित लगा रखी है वह तो आपने देख गया होगा, बेल्ट और पल्ला के साइड में लगा रखी है। जानू क्या हो गया बेटा, कल तो इनका संडे है, बाल भी कटवाना पड़ेगा। क्यों ना कटवावा, जान की चप्पल है वे टूट रही है, और हमनु कह रहा है एक दो दिन में मार्केट का टूर लगेगा जब चप्पल ले आवांगा, लेकिन ये रुस्या सुत्या है, नु कह रहा है नहीं मैं तो आज ही जाऊंगा, आज ही चप्पल लाऊंगा। मैं कहूँ बेटा सर्दियां में तो बिना चप्पलें भी काम चल जाएगा, मम्मी मेरा नहीं चलता। तेरा काम नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? बुना उगाना अडूंगा, मतलब बिन चप्पल अडूंगा जब काम कहोगी। मतलब बिन चप्पल हांड ये क्यों? तुम्हारी चप्पल पहन लिए, जीजी की चप्पल पहन लिए, ये तो पहनने नहीं देते। दीदी पहन देवगी ना है? अच्छा नाट गई, नाट गई, चल चल खड़ो उठ भी गया। हेलो, बॉक्स देख के अंदाजा लगाओ किस चीज का होगा यो। और यो वाला बॉक्स से राइटोमीटर पेन का, मारा टाइम पे यो पेन आया करता 10 रुपया का, और ई 10 और 15 का आया करता जब न हम जब तक हमने प्लस टू करी थी, और ई भी यो वाला पेन आवने लग गया है 25 रुपया का। बड़का का एग्जाम स्टार्ट हो गया ही, जानती भी ये पेन है ले आया ही, एक ही मिला था एक और सब वो भी ले का आना है असमी खातर, तो बस यो पेन है 25 रुपया का। बाकी कैमरा दे देखो, थोड़ा थोड़ा है अलग ही हो रहा है, नहीं तो इस फोन में तो फिर नक्की हो रहा है बेबे, अलग थी कुछ ब्लर भी हो जाए है अजीब टाइप कोई। आपने पसंद आई कि ना आई? आई नहीं पसंद आई थी, आ गई फोन पे जी वाली है भी है ना। एक मिनट रुको, ये दिखाइयो, दिखा तो दे। ये प्राइस लिख रखा है देखो, प्राइस एक 100 रुपया। 100 कितना आएंगे, 100 की ही 90 रुपया की। आखिर में रोए रीख ले आयो रो रीख का तो के हम इसकी लानी ये थी चप्पल, फिर नु सोचा चलो इसकी पसंद की खुद ले आओ। वो दिखा मुझे छोटी गाड़ी नहीं, वो तो खुलेंगी, सही है साइज है। एक और थी चौड़ी वाली वो ज्यादा नहीं, खुश हो गई तो ये हरे भरे खेतों के बीच में आके ट्रेन जाती बहुत अच्छी लगती होगी, देखने में तो बहुत बढ़िया लग है, बिल्कुल सुहाना मौसम सा है, लेकिन कई कई बार कुछ लोग यह ट्रेन है वो जीना हराम करते हैं, जीना हराम क्यों करते हैं, क्योंकि मारा उरा लागा है रेलवे स्टेशन, और फाटक भी लागा है, स्टेशन भी लागा है, जब कोई क्रॉसिंग हुआ है तो फाटक बंद हो जाए, कई कई बार तो 3-3 घंटा 4-4 घंटा तय भी बंद हो जाए, तो जीना आराम तो होना सही। हम स्कूल से आ लिए थे, टाइम हो रहा है 3 बजे का, क्योंकि 2:30 बजे छुट्टी होती है, तो आते टाइम फाटक जो है वो बंद मिलती है, तो हम 3 बजे घर पहुंचते हैं। और
जियान आपने देखा ही था सुबह अपना पहन के गया था, ये लुक भी एक नंबर का लग रहा है जियान का। कति दुल्हन लग रहा है जियानू इसमें तो। डटो मैं पकड़ू हाथ दुल्हन। हाँ देख। और जियान की पोजीशन आई है कौन सी भाई? फर्स्ट। फर्स्ट। और मंडे ने है अस्मियर का, अस्मियर की क्लास का 6th to 8th क्लासेस का है कंपटीशन, ड्रेस कंपटीशन। और जियान की पोजीशन आई है फर्स्ट। तो कैसा लग रहा है आपको जियान? बहुत अच्छा लग रहा है। जियान बोल रहा है कि सब बच्चे मुझसे कह रहे थे जियान तो बहुत सुंदर लग रहा है, जियान तेरी ये माला दिखा। और क्या कह रहे थे? दिखा। ऐसे कह रहे थे। और क्या बोले? एक मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो आप? और हमें आपने देखा होगा कल वाली वीडियो में हम गए थे गरीबा के बर्थडे पे। ये मेरी माला हिल रही है ना। हाँ। माला की तरफ है ना, जब सारे देख रहे थे। अच्छा ऐसे हिल रही थी तेरी माला तब। अच्छा आप दौड़ के जा रहे थे? आपके पास आए थे ना मैं पूछने के लिए। अच्छा मेरे पास आए थे। तो आज जियान खुश हो रहा है। सुबह हम कर रहे थे जियान पोजिशन, जियान कह रहा था अगर पोजीशन नहीं आई तो हम तो क्या कुछ नहीं होगा, पोजीशन नहीं आएगी तो फिर कह रहा था ठीक है पोजीशन नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ड्रेस पहनने का तो मौका मिला है एक दिन, है ना जानू। और हम आपने देखा होगा गरीबा के बर्थडे पर गए थे हम, और वहां से लेके आए थे हम रसगुल्ले, तो मैंने अपने रसगुल्ले डाल लिए हैं, मैंने सारे तो बांट के दे दिए थे और मैंने मेरे डाल लिए हैं, तो अब मैं इन्हें खा ली हूँ। और सपना इधर लग रही है अपने सिलाई का काम कर रही है, मशीन के ऊपर बैठी है, यिंसु अपना जचा रहा है कुछ, अश्विन अपनी ज्योमेट्री बॉक्स है वो सेट कर लिया है, इनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं कल से। हाँ कल से। और मैंने अभी ये सारी जियान ने अपने सारे बुक के बैग की जो बुक्स है वो निकाल कर रख दी है भाई, ठिकाने रखिए जानू। परले वाले ड्रेसिंग पर रखा, ये तो भरा है परले वाले पर रखा, यहाँ इस ड्रेसिंग पे अस्मिन है और यंसुन अपनी बुक है निकाल कर वो रख दी है, और ध्यान रख देगा परले वाले ड्रेसिंग पे क्योंकि बुक आपने बेरा है फिर आगे सीएंगी पेपर होने के बाद, तो फिर इन्हें ढूंढे जाओ जहाँ तक वो ड्रेसिंग पर रख देगा, और जब पेपर होने के बाद उसने एक जगह अपनी रखी हुई मिल जाऊंगी। तो चलो हम खा लेते हैं, और एक फुटा ले जाऊंगा मैं, खा लेती हूँ आप भी खा लो।